warahmatullahi wabarakatuh. Always there where education is at its peak. We contribute a lot towards the nation. The most important thing, if we judge the development of a nation, is to judge its educational standards. This is a joint effort. We give raw material to different institutions, and then they shape their future. They go into the fine tunings and they do the things which cater to the demands of the world and towards the challenges which are ahead of us. नमन जावेद भट्ट है. मेरा नीट 2022 में 679 मार्क्स आए विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 920. आज एलन का SKICC में एलन शार्प को फेलिसिटेशन का इवेंट था और ये इवेंट बहुत अच्छा रहा. मेरी 10th तक स्कूलिंग DPS श्रीनगर से हुई थी और 11th में मैं एलन चंडीगढ़ गया हुआ था. वहाँ पे मैंने रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया था और 12th में मैं एलन नौगाम श्रीनगर में जो इनकी ब्रांच है नौगाम उधर ही पे मैंने क्लासरूम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में एडमिशन लिया था. से एक्सट्रीमली बहुत हेल्प हुआ क्योंकि जो हमारा लॉकडाउन पीरियड भी था उसमें भी हमारी क्लासेस सफ़र नहीं हुई. हमारे असाइनमेंट्स भी रेगुलरली हमें मिलते गए, उनका असेसमेंट, हमारे टेस्ट रेगुलरली हुए और स्पेशली मेरे मेंटर अकमल सर, उन्होंने मेरे को एज ए फैमिली मेम्बर ट्रीट किया और साथ ही साथ मुझे एंड तक हाथ थामे रखा और नीट भी पार कर दिया. मेरा नाम शाहगौसिया है और मैं काजीगुंड अनंतनाग से हूँ. अभी मैं प्रेजेंटली 11th में हूँ. कि मैंने एलन शार्प दिया था रिसेंटली जो हमारा अगस्त में हुआ था और मेरी रैंक सेकंड आई थी इन PCM 11. वो MCQ टाइप था, मतलब बिल्कुल जैसे हमारे मतलब आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का होता है वैसी लेवल थी बिल्कुल. मतलब वो MCQ टाइप, उसमें मेंटल एबिलिटी थी. जैसे मेरा मैथ्स है तो मैथ्स का सेक्शन था, केमिस्ट्री सेक्शन था, फिजिक्स सेक्शन था उसमें अलग अलग से. तो वही अकॉर्डिंग टू मी एलन है तो मुमकिन है. एंड वन मोर थिंक कि मतलब पर्सनली मुझे एलन पे ज़्यादा भरोसा है कि आई थिंक मतलब एलन में बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होती है और इसका जो मैनेजमेंट का क्राइटेरिया है वो बहुत सही है. सो आई एम हेमंत कुमार. राइट नाउ आई एम द एकेडमिक हेड ऑफ एलन श्रीनगर नसीमबाग सेंटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल पेरेंट्स हु ट्रस्टेड अस, स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े रहे या जो जुड़ते जा रहे हैं, एंड आप सब लोगों को, मीडिया पर्सनल्स को भी. ये जो इवेंट है नेम्ड एज एलन शार्प, बेसिकली ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, उसके लिए हमने ये इवेंट एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया था. बेसिकली हुआ क्या कि हम लोग हर साल, मीन्स एलन हर साल
ऑल इंडिया लेवल पे टैलेंट सर्च एग्जाम, टैलेंट हंट एग्जाम कंडक्ट कराते रहा है। बट जब हम कश्मीर में आए आज से 1.5 साल पहले, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कश्मीर लेवल पे एक अलग एग्जाम कंडक्ट करें, ताकि हम बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाए, कश्मीर के हर घर तक, हर घर के बच्चों तक पहुँच पाए, और हम वहाँ से टैलेंट को सर्च करें, टैलेंट को निकाले, जो आगे चल के हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे नेशन के फ्यूचर के लिए एक अच्छा विकल्प हो, एक अच्छा रैंकर प्रोड्यूस हो, एक अच्छे डॉक्टर बने, एक अच्छे इंजीनियर बने, या और भी अलग अलग डिफरेंट पोस्ट।